देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में बलात्कार की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि लोगों के रोष को देखकर सरकार ने रेप के खिलाफ और सख्त कानून बनाया है, लेकिन ये कानून बनने के बाद भी ये वारदात रुक नहीं रही है। अब मामला दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां एक नामी प्राइवेट स्कूल की 11वीं की छात्रा को कार में 3 लोगों ने बंधक बनाकर गैंगरेप किया। आरोपियों में एक पीड़िता का क्लासमेट भी शामिल था। ये तीनों आरोपी घंटों तक इस नाबालिग लड़की को शहर की सड़कों पर घुमाते रहे और देर रात आरोपियों ने छात्रा को नॉलेज पार्क में छोड़ दिया और फरार हो गए। पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया है, लेकिन अभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आपको बता दें कि यौन हिंसा की शिकार एक नामी प्राइवेट स्कूल की 11वीं की छात्रा है। पुलिस के मुताबिक 18 अप्रैल को लड़की की स्कूल बस मिस हो गई थी, जिसके बाद वो पैदल घर जा रही थी। इसी दौरान पीड़िता का क्लासमेट अंकित और 2 युवक उसके पास कार से पहुंचे और घर छोड़ने की बात कही। पीड़िता कार में बैठ गई। छात्रा का आरोप है कि कार में फिर उसे बंधक बनाकर आरोपियों ने उसका मुंह बंद कर चलती कार में गैंगरेप किया। वो पुलिस को 18-19 अप्रैल की रात करीब 2 बजे नॉलेज पार्क के पास गोटिया कॉलेज के पास सुनसान सड़क पर मिली। पुलिस की पीसीआर ने छात्रा को अकेला देखकर पूछताछ की तो छात्रा ने अपने साथ हुई आपबीती के बारे में बताया। उसी दिन शाम 3 बजे तक जब बेटी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की। स्कूल से पता चला कि छात्रा चली गई है। बाद में परिजनों ने ग्रेटर नोएडा कोतवाली में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। ग्रेटर नोएडा के DSP अवनीश कुमार ने बताया कि छात्रा के बयान के आधार पर गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।